पुष्कर में लगातार हो रही तेज बारिश ने विदेशी सैलानियों की मुश्किलें बढ़ा दिया। जैसा कि आप देख सक रहे हैं, यहाँ कई सैलानी आए हुए हैं, ये विदेशी सैलानी है। इतने घुटनों तक पानी भरा हुआ और लगातार इसी पानी से निकल कर ये लोग अपने होटलों में जा रहे हैं। घूमने फिरने की जगह तो आप इनके लिए पूछना ही नहीं। ये कुछ लोग हमारे साथ अर्जेंटीना से आए हैं, इससे पहले जयपुर में थे, अर्जेंटीना से आए। सो नाउ डिड यू सीन द सिचुएशन हियर? वेल इट्स a little bit wet, but we're nice to came here and hope we find out where is our hostel. Right, so you not yet got any hotel here? No, we are also booked another and it's close from here, so we are in 5 minutes there. 5 minutes, but very close. Difficult to reach there, I think, because we have yeah it was a really rainy day, we had water to our knees and it was so hard to reach. Now how you are going to visit the Pushkar, how you are going to go outside? Maybe because both. See this much of water everywhere. Swimming maybe. Okay. So what kind of experience you are going to take back from this place? Well, unique one, I guess. Right. Unique experience. So you also came from this heavy rain and other thing. Searching hotel, you are also searching hotel? Yeah. Got the hotel here? Yeah, here. Achha, you got the hotel. No, what's the situation here? Because you came from that place where full of water. Full of water. All of full of water. Look. It's full so of you water. Want to move out from this place or not? You want to stay here? I will stay, but I didn't know this. Okay. ये विदेशी सैलानी है, जानते हैं इतनी परेशानी, इतना पानी है यहाँ पर, लगातार हर जगह जहाँ देखो पानी ही पानी भरा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहे, होटल ढूंढने में भी इन्हें परेशानी हो रही है, लेकिन अपना सामान लेके इसी तरह निकल गए। क्योंकि इनका कहना है कि जिस होटल में ये पहले ठहरे हुए थे उस होटल को खाली करवा दिया गया, अब नया होटल इन्होंने बुक करवा लिया। सो सर्चिंग न्यू होटल नाउ, सर्चिंग न्यू होटल, ठीक है। तो अब नया होटल की तलाश में जा रहे हैं, पता नहीं नया होटल कब मिलेगा, कितने में मिलेगा, कुछ नहीं जानते। तो इस तरह से पुष्कर में जो मूसलाधार बारिश हो रही है, जिस तरह के बाढ़ के हालात है, उसके बाद पर्यटकों की मुश्किलें बढ़ी हुई है। तो ये है विदेशी सैलानों की अभी हमने बात की है, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ स्थानीय जो सैलानी है, घरेलू लोकल सैलानी है, वे भी यहाँ पर आए हैं। उनकी हालत देखी जा सकती है कि वे भी किस तरह से परेशान है, क्योंकि इनके होटलों में फंसी हुई है सब कुछ है। भाजी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कहाँ से आए भाजी आप लोग? यहीं से आया मैं तो। यहीं से हो? पानी वानी खूब भरा हुआ पुष्कर में, इतना पानी देखा कभी आपने? कभी नहीं देखा मैं तो। हाँ, तो अब कितनी मुश्किल का सामना पड़ना, खुशी है या मुश्किल हो गई आने जाने में? परेशानी आ रही है पब्लिक ने, जोरदार परेशानी आ रही है, जोरदार परेशानी है। तो लोग यहाँ पे जो पर्यटक आ रहे हैं घूमने फिरने दर्शन करने, वो क्या करेंगे? वो पब्लिक दुख पा रही है, जो यात्री लोग पूरा दुख पाई है यहाँ पे, यात्री लोग दुख पा रहे हैं। तो आपको लगता है प्रशासन को और थोड़ा ढंग से काम करना चाहिए, पानी वानी नहीं इकट्ठा होना चाहिए, सही करना चाहिए। तो ये देखिए, ये बच्चे हैं, महिलाएं बच्चे हैं, सभी इसी तरह से पानी में लगातार भीगते हुए आ रहे हैं। मजबूरी है इन लोगों की, मैं इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। ये यहाँ से बच्चों को लेके, ये मैडम भी आ रही हैं, तो मैं इनसे पूछता हूँ, मैडम आप लोग बच्चों को भी लेके आ रहे हैं यहाँ पुष्कर वगैरह में, कैसा सर, कितनी मुश्किल हो रही है इतनी तेज बारिश में? बारिश ने बारिश बहुत है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है और पानी भी बहुत आता है। तो आप कहाँ से आए हैं? गुजरात, पुष्कर के दर्शन करने के लिए। यहाँ से मथुरा जाने वाला हूँ, यहाँ पुष्कर में कल से आया था, पर बहुत पानी था, बहुत पानी है। होटल वोटल वाले भी मना कर रहे होंगे आपको, मत जाओ इधर उधर, उसमें से जीवात बहुत निकलती थी। अच्छा, जानवर भी निकल रहे हैं? जानवर नहीं बोली, वो जीवात है ना, बहुत निकलती थी यहाँ रिसोर्ट में, रिसोर्ट में निकल रहे, बहुत निकलती। तो ये देखिए, ये कुछ और लोग हैं, कितनी मुश्किल हो रही है, क्योंकि आप तो एक उम्मीद के साथ यहाँ पुष्कर घूमने आए थे, दर्शन के लिए आए थे। अच्छा लगा, वो बारिश में भी भगवान के दर्शन करने का बहुत अच्छा मजा आता है। हाँ, कितनी भाव से हम यहाँ दर्शन करने के लिए आए, तो दर्शन किए बिना कैसे जा सकते हैं? हमको उम्मीद भी नहीं थी कि हमको दर्शन होगा, फिर बरसात रह गई, गुजराती में बोलूँ तो आज से, तो हमने एम आशा नहीं कि हमें कर सकसू दर्शन, पण आज रही गयो थोड़ोक वरसाद, थोड़ीक वार एटले वरी आव्या, गुजरातमांथी आव्या छे अमे। देखिए, ये कहना कि गुजरात से आए, दर्शन थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन कुछ जगह रह गया भारी बरसात के कारण। सर, आपके होटल वोटल वालों ने आपको समझाया होगा कि इतना पानी भरा हुआ है, बाहर मत जाइए? नहीं, बधु समझाया छे, पण चिंता जेवु कई नथी अत्यारे, बाकी मन सच्चा तो बधु सच्चो, मन सच्चा तो सब कुछ सच्चा। ये देखिए, पर्यटक है, मुश्किल हालात है, जानते हैं कि इस तरह से पानी भरा हुआ है, मूसलाधार बारिश का दौर है, आगे जाने की जगह भी नहीं है, लेकिन पानी से निकल कर भी ये लोग
आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि दर्शन के लिए आए हैं, तीर्थ यात्रा के लिए आए हैं और अपनी तीर्थ यात्रा में किसी तरह का कोई किसी भी बाधा को ये लोग सामने नहीं देखते। तो कुल मिलाकर पुष्कर की हालत भले ही ख़राब है, लेकिन यहाँ आने वाले पर्यटक जो दर्शन के लिए आ रहे हैं वे दर्शन कर रहे हैं, जो टूरिज्म के हिसाब से आ रहे हैं। एक मैं आपसे भी पूछता हूँ, मेरे को ये बताना, कभी इतना पानी बाढ़ अगर देखा कभी कहीं? हाँ देखा है कहीं कहीं, लेकिन उम्मीद थी पुष्कर में आएगा इतना पानी, क्योंकि आप लोग तो सब दादा दादी पूरा परिवार आए हो दर्शन करने। कभी नहीं देखा। तीसरी बार आई है, कभी नहीं देखा इतना पानी पुष्कर। तीसरी बार आया? तीसरी बार आई हम, कभी नहीं देखा इतना बरसात, इतना पानी कभी नहीं देखा पुष्कर में। जो मूसलाधार बारिश हो रही है, जिस तरह के बाढ़ के हालात है, उसके बाद पर्यटकों की मुश्किलें बढ़ी हुई है। कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ श्रीवत्सन, पुष्कर, न्यूज़ 24।